गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीनियस ऑनलाइन क्लास। टुडे सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड टॉपिक इज साउंड ऑफ वॉवेल ए। लुक एट द ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर साउंड ऑफ वॉवेल ए के लिए कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किया है, आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, तो उसी को यहाँ पर हमको लिखना है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि साउंड ऑफ वॉवेल्स ए या किसी भी साउंड की पहचान हम कैसे करते हैं, उसके जो वर्ड हम लिखते हैं उस वर्ड के बीच में ए लिखा रहता है, और जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो ए साउंड आता है ना, तो वो कहलाता है साउंड ऑफ वॉवेल्स ए। उसकी पहचान के लिए बीच में होता है लेटर ए। तो यहाँ पर देखिए, लुक हियर स्टूडेंट, ये किसका पिक्चर्स है, ये है बैग का पिक्चर। ओके, तो हम यहाँ पर कैपिटल लेटर से शुरुआत नहीं करेंगे, हम जितने भी साउंड लिखते हैं उसको हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। कई बच्चे फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं, तो साउंड लिखते तक आपको कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर में ही लिखना है। ओके, तो ये है बैग, दिस इज ए बैग, बी ए जी बैग, हियर ए इज द वॉवेल्स। ओके, देखिए इसको प्रोनाउंस कीजिए, बी ए जी बैग, बैग, अ प्रोनाउंस हो रहा है ना, तो यहाँ पर ए जो है वो साउंड ऑफ वॉवेल ए है। ओके, गुड। अब देखिए ये किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये है टैग। टैग मीन्स जब हम कोई नया कपड़ा पहनते हैं तो उसमें टैग लगा होता है ना, ये वो वाला टैग है ना, तो इसको लिखेंगे टी ए जी टैग। ओके, हियर ए इज अ वॉवेल। ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज पेन, ये है पेन, पेन मतलब तवा, इसको लिखेंगे पी ए एन पेन, हियर ए इज अ वॉवेल। ओके, नेक्स्ट इज कैप, कैप, दिस इज ए कैप, सी ए पी कैप, हियर ए इज अ वॉवेल्स। ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज बैग, बी ए टी बैग, हियर ए इज अ वॉवेल। तो अब देखिए आपको इजीली इसकी पहचान हो जाएगी, जिस जिस वर्ड में ए आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है मतलब ये ए साउंड है, इसकी पहचान हम इसी तरह से कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसका साउंड जो होगा वो ए आएगा। ओके, देखिए बी ए जी बैग, ए आया ना, टी ए जी बैग, पी ए एन पैन, सी ए पी कैप, बी ए टी बैग। ओके, अब अपनी कॉपी में आप ऐसा कॉलम बना करके पूरे यहाँ लास्ट तक आप इसको लिखेंगे। ओके, लिखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे बोलने की, और इसी को आपको होमवर्क करके भेजना है। ओके, तो आप इसको लिखिए, पढ़िए, रीड राइट एंड लर्न कीजिए।